तुम्हारी माँ मिलती है वृद्धाश्रम में। और असीम वकार को माफी मांगनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि देश के हिंदुओं की माए वो वृद्धाश्रम है 99%, शर्म नहीं आती इनको। ये आपने कह कैसे दिया, इसका कोई तो आंकड़ा बताइए। तीनों का डीएनए एक है, ये साबित हो गया। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक नया डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में असीम बकर ने कहा वृद्धाश्रम में जितनी माए रहती है वो सब हिंदुओं की है, हम लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख के आते हैं और उनके मजहब के लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं जाने देते, अपने पास प्यार से रखते हैं। उनकी ये बात सुनकर नाविका जी को बहुत गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने जमकर धो डाला। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। सरकार साहब ने कहा आधा आधा हमारा जो है वो मुल्क के लिए, सिर्फ आधा, 50% स्टेक आपने देश को दिया। इस देश में जो भी रह रहा है 100% इस देश का नहीं है क्या 100%? मैडम एक बार एक मुझे आप ही जैसे कोई देशभक्त मिल गए थे तो उन्होंने मेरी जबान बंद करा दी थी, जितनी देशभक्त आप हैं। मुझसे कहने लगे साहब अगर आप अपनी माँ से प्यार करते होते दिल से तो आप उनके पैर छूते, हम लोग को देखिए हम लोग अपने माँ के पैर छूते हैं। हमने कहा हाँ उस्ताद, कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन 99% तुम्हारी माँ मिलती है वृद्धाश्रम में। तुम पैर भी छूते हो वृद्धाश्रम में, तुम्हारी माँ मिलती है। मैं हम पैर नहीं छूते हैं। ऐसा कौन सा डेटा है जो आप दे सकते हैं जिस पर आप ये बात कह रहे हैं? आप ये सब रहने दीजिए, आप ये सब रहने दीजिए। असीम बकार साहब, मैं बिल्कुल फक्र से कह सकती हूँ कि बेटी हूँ फिर भी मेरी 88 साल की माँ मेरे साथ है, वृद्धाश्रम में नहीं है। मैं बेटी हूँ और मेरे साथ है और मैं हिंदू भी हूँ। कोई कुछ लोग हर जगह खराब होते हैं, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, वो आप जनरलाइजेशन मत करिए। आप ये बताइए, आपने कहा मुल्क को 50%, आधा मैं मुल्क का हूँ, आधा सिर्फ आधे हो, बाकी आधा किसका? आप हर चीज में गंदगी देख लेती हैं। जैसे कभी कभी बताऊं आपसे, अब छोड़िए नहीं कहूंगा इससे आधा, गंदगी की सोच, जिनकी सोच गंदगी वाली हो वही ऐसा सोचते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ जी, नहीं मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं सुनिए जवाब सुनिए। जब धर्म की बात आई, इनकी हिम्मत देखिए नविका जी, घर के अंदर हम अपने धर्म पे चलेंगे, ये कह रहे हैं आपको, जब घर से बाहर निकलेंगे तो धर्म हमारा घर में है, हमारे लिए पहले हमारा मुल्क है, इनकी हिम्मत पहले हमारे लिए हमारा देश है, पहले हमारे लिए हमारा भारत है। ये हिम्मत देखिए कितने कष्ट और ये बैठे हैं हमारे हजरत अजय आलोक जी, जितनी इज्जत आप करते हैं मुझे पता है साहब, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है आप, हाँ मुझे पता है आप कितनी इज्जत करते हैं और कितने वफादार हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं आप कितने वफादार हैं। नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे उसका सिर पैर नहीं समझ आ रहा। आप दूसरों की दिमागी हालत का अंदाजा लगाते हैं, मुझे आपकी दिमागी परिस्थिति और मनोस्थिति समझ नहीं आ रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। ये असीम वकार साहब जलेबी बना बना के, इमरती बना बना कर कहना क्या चाह रहे हैं, इशारा किस तरफ है? देखिए नविका जी, मैं सबसे पहले असीम वकार की इस बात का बहुत जो कहते हैं ना कि कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, और असीम वकार को माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश के हिंदुओं की माए वो वृद्धाश्रम है 99%, शर्म नहीं आती इनको। ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? कुछ भी बोल देंगे आपके, कोई व्यक्ति मिला हमने उसको बता दिया आपकी माए वृद्धाश्रम में रहती, और अगर आप ये करते हैं तो दूसरों को पता होगी ना। क्या कहा मैंने, कहा वृद्धाश्रम, ये आपने कह कैसे दिया, इसका कोई तो आंकड़ा बताइए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके जैसे लोग ही बहस को हिंदू मुसलमान पर ले जाते हैं, आपके जैसे लोग हिंदू मुसलमान पर बहस ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की माए वृद्धाश्रम में, जितना सम्मान हमारी संस्कृति हमारे समाज में है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने नविका जी को उदाहरण देते हुए यही कहा, आपने नविका जी को उदाहरण, आपको माफी मांगनी चाहिए आश्रमों में, अगर आपको माफी मांगनी चाहिए 9% हमारे, आपने हिंदुओं की माओ के ऊपर टिप्पणी, आपको असीम वकार साहब, असीम वकार साहब, या तो आप डेटा पेश करिए जो आपने कहा, वरना माफी मांगिए। असीम वकार साहब, आज आपको माफी मांग लेनी चाहिए, सिंपली इसलिए कि आपने देश के 99% लोगों पर, ये 99% हिंदू पर आपने आरोप लगाया है, आपने 99% हिंदुओं पर यह आरोप लगाया कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है, कौन सा डेटा है, क्या आधार है आपकी बात का? सुनिए, आप भारत माँ की बात करने में आपको हिचक होती है और आप सबकी माँ पर पहुंच गए और आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आप कौन सी अथॉरिटी है सर्टिफिकेट देने वाले? आप दूसरों के दिमागी स्टेटस के बारे में बोलते हैं, ये डेटा कहाँ से है आपके पास?
और मेरी माँ भी आपकी माँ है। आपको लगता होगा हमारी माए अलग अलग है, आप तोलते हैं इस तरह से। क्या कह रहे हैं आप अजीज खान साहब, आपत्तिजनक नहीं लगता आपको इस तरह की बात? मुझे बता दीजिए अजीज खान साहब, कहां पे ऐसा डेटा है कि 99% वृद्धाश्रम में जो महिलाएं हैं वो हिंदुओं की माएं हैं और 99% हिंदू अपनी माओं को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं? ये कहां का डेटा है, किसने दिया? आप देखिए नाविका जी, देखिए नाविका जी, ऐसा है, माँ माँ होती है और माँ सबकी बहुत ही सम्मानित होती है। एक बात थोड़ा स्पष्ट कर दे, देखिए दो तीन बातें बड़ी अहम है जिसपे चर्चा हो नहीं पाई। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आखिर बीजेपी क्या है? बीजेपी जातीय जनगणना से तकलीफ क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, माओ को बांटना, इस तरह से माओ के बारे में कहना, क्या ये सही है? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने एक देखिए माँ तो जननी है, माँ तो माँ की को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो तो महान है, मैं उसकी बात कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द भी नहीं है, अल्फाज भी नहीं है माँ के लिए कहने के लिए। मेरी बात सुनिए, असीम बकार साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं है माँ के, लीजिए तो माँ का बखान किया जाए। नहीं, असीम बकार साहब ने सही कहा या गलत कहा, आज आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, सही के गलत। देखिए एक मिनट, देखिए देखिए एक मिनट नाविका जी, माँ का बखान मेरे शब्दों में नहीं, मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता, माँ महान है, हम माँ को परिभाषित नहीं कर सकते। मेरा जो सवाल है अजय आलोक जी से, वो सवाल का जवाब ये क्यों नहीं दे सकते और क्यों नहीं दे रहे? आखिर ये नहीं चाहते हैं कि क्या उनका हक मिले? ये नहीं चाहते अजय आलोक जी, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा कि हिंदुओं के बारे में बोला था, उसको गलत कैसे साबित किया? या इनके मन में मुसलमान वोट उधर चला जाएगा? अरे ये लोग वोट के कारण जिंदा है। एक काम करो, सांस में भी इस्लाम ले आइए, कोई पीड़ा नहीं है, सांस भी लीजिए, कहिए सांस में भी बता दीजिए। असीम बकार साहब कहते हैं 99% हिंदू अपनी माओं को छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम। ये डेटा का कोई आधार है क्या? यही वो सोच है जो भारत माता को इस तरह से विभाजन वाली सोच जो है, जिस तरह से जहां से राहुल गांधी से हम शुरू हुए और असीम बकार पर आकर अटक गए, ये डिवाइड करने की, विभाजन करने की कैसी सोच है? ये सोच कैसी है नाविका जी कि आप आपके ही सम्मानित पैनलिस्ट को कहे कि आप बताए कि आपका ईमान देश के ऊपर पूरा है या नहीं है, ये कौन सी सोच? उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था अपने वाक्य में, आपने पहले रिस्पांस में कहा था उन्होंने। नाविका जी मेरा चांस है, प्लीज प्लीज। हर एक मैं नास्तिक हूँ, लेकिन हर एक मुसलमान देश में 5 बार इस पावन धरती को, इस पाक धरती को सजदा करता है। इस धरती में माँ क्या, इस धरती में वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव दिखता है 5 बार, चाहे वो असीम बकार हो, चाहे वो डॉक्टर अजीज खान हो। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, बहुत पॉलिटिकल बात है, पर 5 बार दिन में सजदा इस धरती को करते, इस धरती में वो अल्लाह को देखते हैं, ये कौन सी बात हुई नाविका जी? मैंने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है, मैंने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है, मैं सिर्फ डेटा क्वेश्चन कर रही हूँ। 99% हिंदू अपनी माओं को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं, क्या ये डेटा सही है, क्या ये वाक्य सही? तीनों का डीएनए एक है, ये साबित हो गया। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।